अरे कैसे लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं। लेकिन जाना जाता था, ये वो समय था जब यहाँ सैकड़ों मेटल कारखाने हुआ करते थे, लेकिन गवर्नेंस की कमी ने, सुशासन की कमी ने ये सब तबाह कर दिया। नतीजा ये कि यहाँ के बड़े बड़े कल कारखाने इतिहास हो गए। आयरन स्टील इंडस्ट्री हो, पीवीसी मोल्डिंग यूनिट्स हो, ऐसे अनेक उद्योग या तो बंद हो गए या बंद होने की कगार पर है। यहां के जूट उद्योग की स्थिति, जरी उद्योग की स्थिति सबसे आप भली भांति परिचित है। साथियों, जो भी बंगाल के पूर्वजों ने कमाया था, जो भी बंगाल के पूर्वजों ने जुटाया था, यहां जो भी सरकारें आई, सभी सरकारों ने बर्बाद करके रख दिया है। आज दीदी की सरकार की पहचान क्या है? दीदी की सरकार यानी तोलाबाजों की सरकार, दीदी की सरकार यानी सिंडिकेट की सरकार, दीदी की सरकार यानी माताओं बहनों पर अत्याचार करने वालों की सरकार। और ऐसे में बंगाल का नौजवान सबसे ज्यादा परेशान है। तेजी से बदलती हुई दुनिया में यहां का नौजवान हर रोज नए अवसर गंवा रहा है। नतीजा ये कि यहां के टीचर खून से चिट्ठियां लिखने के लिए मजबूर है। राज्य सरकार के कर्मचारियों को बराबर वेतन का लाभ नहीं मिलता। भर्तियों की लिस्ट पहले तो आती नहीं है, और अगर आती भी है तो उस पर तुष्टिकरण का ठप्पा लगाकर ही भेजा जाता है। दीदी ने यहां तय कर दिया है, सरकारी योजनाओं का लाभ पाना है तो कटमनी देनी पड़ेगी। सरकारी अस्पताल में इलाज कराना है तो कटमनी देनी होगी। यहां तक कि किसी को अंतिम संस्कार भी कराना है तो भी कटमनी देनी होगी। भाइयों और बहनों, ऐसे माहौल में क्या बंगाल में निवेश बढ़ सकता है? ऐसे माहौल में बिजनेस का माहौल कैसे बनेगा? ऐसे माहौल में नौजवानों से सपने कैसे पूरे होंगे? यहां जो उद्योग बीते 10 साल में फला फूला है वो है वसूली उद्योग, तोलाबाजी उद्योग, तस्करी उद्योग, माफिया उद्योग। दीदी ने गरीब से सेहत और नौजवान से उनका भविष्य छीन लिया। भाइयों और बहनों, जैसे जैसे 2 मई का दिन करीब आ रहा है, दीदी की बौखलाहट बढ़ती ही जा रही है। दीदी कभी मुझे बाहरी कहती है तो कभी टूरिस्ट कहती है। उनका गुस्सा देखकर मैं कभी कभी सोच में पड़ जाता हूं, जिस बंगाल की पवित्र धरती ने जय हिंद का नारा दिया, जिस बंगाल ने
वंदे मातरम का उद्घोष किया, उस पवित्र धरती पर दीदी की इतनी संकीर्ण सोच, दीदी ये किसके प्रभाव में बोल रही हैं आप? घुसपैठिए तो आपको अपने लगते हैं, लेकिन भारत मां की संतानों को आप टूरिस्ट कहती है? आपकी इन बातों को पूरा देश सुन रहा है। भाइयों और बहनों, बीजेपी वो पार्टी है जो बंगाल के सपूत मां भारती के लाल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों और संकल्पों से जुड़ी हुई है।